सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डी के डिजिटल कैश में। और यहाँ पर दोस्तों आप से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई इस वीडियो को आप लोग एंड तक देख लेना, और स्पेशली वो लोग जिनको नहीं पता है कि अगर हमारे 7 स्टेप्स कंप्लीट हो गए, अगर हमारे 7 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं, तो 8वें स्टेप पर जब हमारे पास में हमारे वॉलेट के अंदर बैलेंस आ जाता है, तो उसे अपने अवेलेबल बैलेंस में किस तरीके से लेकर के आना है। तो ये ख़ास तौर से उन लोगों के लिए है जिनके पास में एट दी एंड सब कुछ कंप्लीट होने के बाद में बैलेंस नहीं है। और ये वीडियो दोस्तों मैं स्पेशली बना रहा हूँ आप ही की रिक्वेस्ट में, क्योंकि कमेंट आया था मेरे पास में और अलग से मैसेज भी आया कि हमें नहीं पता कि किस तरीके से माइग्रेशन वाले ऑप्शन को चूज़ करना है या किस तरीके से हमें माइग्रेट करना है। अगर हमारे वॉलेट के अंदर बैलेंस आ चुका है तो हमें किस तरीके से माइग्रेट करना है। मैंने ऑलरेडी इसके बारे में वीडियो पहले बनाई थी, लेकिन अभी फिर दोबारा से यहाँ पर बता दूँ, क्योंकि हमारे पास में नए यूज़र्स भी होते हैं और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता, क्योंकि उनके पास में कोई इन्फॉर्मेशन होती नहीं, या उन्होंने वो वीडियो वॉच नहीं करी होती, या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू उनके पास में उस तरीके की इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो इसीलिए मैं यहाँ पर दोबारा से वीडियो बना रहा हूँ खास आप लोगों की डिमांड पर, जिससे कि आप लोगों को ये पता चल जाए कि भाई अगर हमारे सारे स्टेप्स कंप्लीट हैं तो एट द एंड सभी चेकलिस्ट पूरी हो जाने के बाद में हमारे पास में जब बैलेंस आ जाता है तो हमें लास्ट स्टेप जो है वो क्या करना है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, लास्ट स्टेप की मैं बात कर रहा हूँ कि लास्ट स्टेप सब कुछ कंप्लीट होने के बाद लास्ट स्टेप्स कौन सा हमें फॉलो करना है। तो देखिए, अभी सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये मेरा पाइप ब्राउज़र है और इसके अंदर मैं लॉगिन करूंगा, मेरे पास में कितना बैलेंस यहाँ पर पड़ा हुआ, और उसके बाद मैं अवेलेबल में कितना है मेरे पास वो आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, और जिन दोस्तों ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे कि आप सभी लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाए और सभी अपडेट्स भी मिलती रहे। तो दोस्तों अभी हम लोग क्या करते हैं कि अभी हम इस पर लॉगिन करते हैं wallet.py के ऊपर, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पर लॉगिन कर लिया, कुछ ही इसी तरीके से आपको भी लॉगिन कर लेना है। तो अभी आप देख सकते हो कि मेरे पास में जो अवेलेबल बैलेंस है 361 है, और जो टोटल बैलेंस मेरे पास में दिखा रहा है वो 3634 पाई कॉइंस मेरे पास में बैलेंस में दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो बैलेंस है, इससे भी ज़रूरी चीज़ है, बहुत सारे लोग करने की कोशिश करेंगे। अगर मैंने इस स्टेप को जो अभी स्टेप आपको दोबारा बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना, दोबारा नहीं, सॉरी, आई मीन बीच में एक और नया स्टेप जो आपको बताने जा रहा हूँ, इस चीज़ पर भी आपने ध्यान रखना है, क्योंकि लोग क्या करेंगे कि मैंने माइग्रेशन वाला बताया, वो स्टेप देख लिया उन्होंने, वो फॉलो करना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी उनके पास में बैलेंस नहीं आया। तो बहुत सारे होंगे, आप में से बता देना किस किस को नहीं पता था, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, पाई मेननेट जो आपको दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर का सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपने ये चेक करना है कि ये जो आपका यहाँ पर शो हो रहा है वो पाई मेननेट ही शो हो रहा हो, ऐसा ना हो कि पाई टेस्टनेट यहाँ पर शो हो रहा हो, ठीक है। इस तरीके से पाई टेस्टनेट शो हो रहा हो, रेड कलर शो हो रहा हो, और पता चला कि आप माइग्रेशन वाले पे क्लिक कर रहे हैं और वहाँ पर आपको लिखा हुआ आ रहा है नथिंग टू शो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको पाई टेस्टनेट पे क्लिक करना है, ठीक है। और आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, आपने सेकंड ऑप्शन को चूज़ कर लेना है, पाई मिनट वाले पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आपने पाई मिनट वाले पर क्लिक किया, अब ये आपका रियल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आपकी रियल पाई आनी है, और यहीं पर से आपका रियल स्टेप फॉलो होना है माइग्रेशन के लिए, अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो अभी जैसे कि दोस्तों आप लोगों की डिमांड थी, आपका सवाल था कि भाई माइग्रेशन कैसे होगा, हमारे मेरे सेवन स्टेप्स जो है वो कंप्लीट है, लेकिन ये 8वां वाला जो माइग्रेशन है वो मेरे अवेलेबल बैलेंस में कहाँ पर आएगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब आपके 7 स्टेप कंप्लीट हों, ठीक है, वहाँ पर आपके पास में आता है 8वें स्टेप में कि जैसी आपकी KYC कंप्लीट हो रही है, माइग्रेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, तो आपके पास में 14 दिन या 15 दिन के बाद में बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। कुछ लोगों के पास में हो सकता है कि टाइम लग गया हो, क्योंकि माइग्रेशन जो था वो पॉज में था, लेकिन अब माइग्रेशन दोबारा से स्टार्ट हो गया है, बहुत सारे लोगों के वॉलेट के अंदर बैलेंस आना शुरू हो गया है, तो आपके पास भी अभी दरवाजे ओपन हैं, ठीक है। यानी कि अभी आपके पास भी ऑप्शन अवेलेबल हो गया कि भाई आपको भी यहाँ पर पाई कॉइन्स जो है वो आपके वॉलेट के अंदर आएंगे। तो देखिए, आपके पास में सबसे पहले जो बैलेंस आएगा ना,
वो शो कहाँ पर होगा? वो शो होगा यहाँ पर, जहाँ पर आपको 3634 का बैलेंस दिखाई दे रहा है ना मेरा, ये यहाँ पर शो होगा। चाहे आपके पास में 1000 आपके माइन क्यूए कॉइन हो, चाहे 500 माइन क्यूए कॉइन हो, वैसे कॉइन्स आपके ज़्यादा होंगे लेकिन माइग्रेशन में जो बैलेंस आएगा वो डिपेंड करेगा कि जो पाई कोर टीम है वहाँ पर जो मैकेनिज्म है उसके अकॉर्डिंग आपके पास में आपके हिस्से में कितने बैलेंस कितने पाई कॉइन्स जो वो डाले जाएँ फर्स्ट माइग्रेशन के दौरान, ठीक है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये अभी फर्स्ट माइग्रेशन ही चल रहा है भाई, हमारा सेकंड माइग्रेशन पता नहीं कब स्टार्ट होगा, बट अभी हम जो है हमारे पास जो बैलेंस आ रहा है वो फर्स्ट माइग्रेशन के अंदर ही आ रहा है। तो मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आपके पास में जो बैलेंस आएगा वो यहाँ पर शो करेगा जहाँ पर मैंने जहाँ पर मेरा बैलेंस 3634 दिखा रहा है। लेकिन दोस्तों क्योंकि मैंने लॉक किया हुआ है, ठीक है, 3 साल के लिए, तो मेरा इसीलिए मेरे पास में जो अवेलेबल बैलेंस है वो 361 दिखा रहा है कि यार, क्योंकि मैंने 90% लॉक किया है, तो जिस वजह से जो 3634 समथिंग है वो उसमें से कुछ अमाउंट जो है वो लॉक है और जो बचा हुआ है वो मेरे पास 360, यानी कि मेरे पास में अभी यूज़ करने के लिए सिर्फ 361 पाई कॉइन्स मेरे पास में अवेलेबल बैलेंस में है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों में क्लियर कर रहा हूँ वो माइग्रेशन वाला स्टेप फॉलो करने से पहले, जिससे कि आप लोगों को पता चल जाए कि हाँ भाई कहाँ पर मेरा बैलेंस है और कहाँ से मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो अभी देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने ये चीज़ तो आपको क्लियर कर दी कि भाई 3634 जो है ये आपका बैलेंस टोटल शो होगा, लेकिन जो आपके अवेलेबल बैलेंस में आएगा वो एक्चुअल बैलेंस होगा। तो अभी जब आप लास्ट वाला स्टेप जो मैं आपको फॉलो करने के लिए बोल रहा हूँ वो स्टेप अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो आपके पास क्या शो होगा कि आपके पाई मेन नेट के अंदर आपके पास सिर्फ टोटल बैलेंस जो है वो दिखाई देगा लेकिन अवेलेबल बैलेंस जो है वो ज़ीरो दिखाई देगा। तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे यार कि ये अवेलेबल बैलेंस में ज़ीरो क्यों दिखाई दे रहा है और ऊपर तो बैलेंस दिखाई दे रहा है लेकिन अवेलेबल बैलेंस में ज़ीरो दिखाई दे रहा है। तो बहुत से लोग डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, कंफ्यूज भी होंगे। तो उसके लिए दोस्तों क्या करना है, उसके लिए आपको यही स्टेप फॉलो करना है जो कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि भाई अगर आपके सारे स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं, बैलेंस भी अगर आपके वॉलेट में दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा, तो आप इस पर आकर के चेक ज़रूर करें। जब आपके पास में यहाँ पर 3000 जब आपके पास में टोटल बैलेंस दिखाई दे तो आपके पास में अगर अवेलेबल बैलेंस जीरो दिखाई दे रहा है तो आपने अवेलेबल बैलेंस में अपने पाई कॉइन्स को कैसे लेकर के आना है, तो उसके लिए जो आपको हिस्ट्री दिखाई दे रही है, हिस्ट्री से पहले यहाँ पर आप देखोगे माइग्रेशन का ऑप्शन है, तो आपको माइग्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, पर्पल कलर में है ये, और यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर आप देख सकते हो 3271 उसके बाद ये लॉक दिखा रहा है। तो ये मेरा लॉक इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैंने लॉक कर रखे अपने पाई कॉइन्स, ठीक है। तो टोटल 3270 पाई कॉइन्स जो है वो मेरे लॉक हैं और यहाँ पर डेट भी दिखाएगा, लेकिन आपका जो है ये अनलॉक दिखाएगा या ऑप्शन दिखाएगा कुछ इस तरीके का, मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया हुआ है आप लोगों के लिए, तो कुछ इस तरीके का दिखाएगा। हाँ, तो ये देखिए ये मूव का ऑप्शन आ रहा है ना आपके सामने, मूव का ही ऑप्शन आएगा और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऊपर टोटल बैलेंस दिखा लेकिन अवेलेबल बैलेंस वो ज़ीरो दिखा रहा है। तो आपको मूव वाले पे क्लिक करना है, जैसे ही मूव वाले पे क्लिक करोगे आपके पास में जो भी नेक्स्ट स्टेप आएगा आप उसको फॉलो कर लेना, ओके कर देना, और आपके पास कुछ ही समय के बाद में यहाँ पर अवेलेबल बैलेंस के अंदर आपका टोटल कॉइन जो है वो आ जाएगा, उतना माइनस हो जाएगा जितना आपने लॉक किया होगा, ठीक है ना, वो आपका लॉक दिखा देगा और जो आपने अनलॉक रखा होगा 10% 5% जो भी है वो आपका अवेलेबल बैलेंस में यहाँ पर शो हो जाएगा। तो ये वाला स्टेप जो है आप लोगों के लिए करना ज़रूरी है, इसके लिए आपको करना यही है कि भाई अपना समय समय पर जब आप सारे स्टेप्स आपने आपको पता होगी भाई आपके सारे स्टेप्स कंप्लीट है तो आपने समय समय पर ये देखते रहना आपके पाई वॉलेट के अंदर आपके पास में टोटल बैलेंस आ चुका है या नहीं आ चुका। अवेलेबल बैलेंस के लिए परवाह करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके लिए क्या करना है आपको मैंने वो ऑलरेडी बता दिया, आपने मूव पर क्लिक करना है आपके अवेलेबल बैलेंस में वो अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों की जो कि मैं अभी आप लोगों के साथ में दोबारा से मैंने शेयर किया, इसको आप भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने सभी टीम मेंबर्स और जितने भी आपके लोग हैं पायनियर्स हैं आपके कॉन्टैक्ट्स में उनको बताइए जिससे कि उनके पास में भी अवेलेबल बैलेंस के अंदर उनका पाई कॉइन जो वो उनको मिल पाए, ठीक है। बाकी और सभी अपडेट्स के लिए दोस्तों और किसी और तरह की क्वेरी के लिए या कोई भी आपके दिमाग में कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।